So hello everyone. So this is CS Anitya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, राइट? एंड नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए आपने अपने प्रिपरेशंस फुल ऑन फुल स्विंग में स्टार्ट कर दिया है। अब लॉ को लेकर बच्चों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर लॉ हटने वाला है, नवंबर 23 लॉ के लिए आखिरी अटेम्प्ट है, एंड कहीं ना कहीं बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं यार कि लॉ के लिए फुल शिद्दत के साथ प्रिपरेशंस करें या ना करें। तो भाई मैं तुमको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अभी के लिए तुम्हारा जो फोकस है, जो तुम्हारा गोल है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, वो सिर्फ और सिर्फ नवंबर 23 होना चाहिए। मई 24 के बारे में अभी तुमको बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। दूसरी चीज यार, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशंस में अगर भगवान ना करे तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं भी होता है, तो एनी वे लॉ सेल्स पेज मॉड्यूल्स के अंदर है इन द न्यू सिलेबस। तो अगर आपने तैयारी अभी कर रखी होगी तो ये नॉलेज आपका काम आएगा। आगे सेल्स पेज मॉड्यूल में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा एग्जाम क्लियर करने में। तो कोई भी चीज बेकार नहीं जाता है, जाया नहीं जाता है। अभी फिलहाल अपने को सिर्फ नवंबर 23 का सोचना है। एंड नवंबर 23 की बात करें सर, तो लॉ कैन बी वन ऑफ द सब्जेक्ट विच कैन बी ए गेम चेंजर फॉर यू एंड विच कैन एक्चुअली हेल्प यू इन क्लियरिंग योर ग्रुप और बोथ ग्रुप्स एंड बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? एंड 70 लाना लॉ के अंदर इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लॉ के अंदर 70 लाना एक पॉसिबिलिटी है। लॉ इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर अपनी तैयारी अपन लॉ में अच्छी तरीके से रखें। सो दैट इज वाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करने आया हूं कि भाई लॉ में आप 70 70+ कैसे ला सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला, हाउ कैन यू गेट 70+ मार्क्स इन लॉ। तो इस वीडियो के अंदर 2 से 3 चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा मैं। एंड भाई तुमको वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को यार लाइक करना मत भूलो यार, वीडियो को लाइक कर दो, इतनी कंजूसी काहे करते हो। एंड वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना बाय क्लिकिंग द बेल आइकन। तो अब देखना भाई, 70+ इन सीए फाइनल लॉ, 70+ इन सीए फाइनल लॉ फॉर नवंबर 23 एग्जाम्स बिल्कुल पॉसिबल है सर जी, बिल्कुल पॉसिबल है। आपको ना सर सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि नहीं। अपने आप को क्वेश्चन करो, एनालाइज करो कि क्या मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो तुमको कोई क्लासेस का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। तुम अपने आप को एक दरवाजे में बंद कर दो एंड जस्ट स्टार्ट रिवाइजिंग द कंटेंट्स एंड गिविंग द टेस्ट। लेकिन अगर आपको लगता है सर अभी भी मेरे को लगता है कि लॉ में कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी में थोड़ी बहुत कमी है, या कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फेड हो जाते हैं, सो इन दैट वेरी सिनेरियो आप क्या कर सकते हो, फास्ट ट्रैक क्लासेस के लिए जा सकते हो फॉर सीए फाइनल लॉ। एंड अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी तैयार है तो किसी क्लासेस की कोई जरूरत नहीं है, देन इन दैट सिचुएशन यू मे गो विद द रिविजनरी वॉइस क्लिप्स, द रिविजनरी वीडियोस, ये सारी चीजें आप साथ में फॉलो कर सकते हैं अपने स्टडी पर्पज के लिए। तो सबसे पहले तो इतना इंश्योर कर लो सर कि कॉन्सेप्ट बराबर है कि नहीं। उसके बाद यार एंश्योर करना है अपने को कि अपना नंबर ऑफ रिविजन्स प्रॉपर हो, एंश्योर करना है अपने को नंबर ऑफ रिविजन्स प्रॉपर हो, एकदम प्रॉपर तरीके से हो, स्ट्रक्चर्ड मैनर में हो। रिविजन कैसे करना है मैं भी गाइड करने वाला हूं, सिक्वेंसिंग क्या होनी चाहिए मैं भी गाइड करने वाला हूं। तीसरी चीज सर, लॉ में ना प्रेजेंटेशन में ध्यान देना शुरू कर दो फॉर द नवंबर एग्जामिनेशन। प्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अपन अंडरलाइन करते हैं, जिसको अपन नेग्लेक्ट करते हैं, एंड प्रेजेंटेशन कैन बी वन ऑफ द गेम चेंजर्स फॉर योर एग्जामिनेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर का कोई भी आंसर अगर आप लिखते हो तो स्टार्टिंग में लिखो थोड़ा सा कि एज पर, मान लीजिए क्वेश्चन आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, तो द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स आर कंटेन्ड इन सेक्शन 152 ऑफ चैप्टर 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। क्वेश्चन आता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, तो द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स आर कंटेन्ड इन सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 या 2 जो भी है ऑफ चैप्टर नंबर 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद द कंपनीज ऑडिट रेड विद द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। इस तरीके से आंसर को स्टार्ट करो, जहां रेलिवेंट है वहां सेक्शन नंबर कोट करो, जहां रेलिवेंट है वहां फॉर्म नंबर कोट करो, जितना हो सके मल्टीपल पैराग्राफ में आंसर को डिवाइड करो, प्रॉपर हेडिंग दो, प्रॉपर कंक्लूजन दो एंड अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट द आंसर। मान लीजिए क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि भाई आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग कि कंपनी शुड पास ऐसा, उसको स्टेप्स में डिवाइड कर दो कि स्टेप नंबर 1 कंपनी यहां पे एक लॉजिकल प्रोसेस फॉलो करेगा, कंपनी सबसे पहले जनरल मीटिंग के एक नोटिस देगा, स्टेप नंबर 2 उस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर मेंबर्स को बुलाया जाएगा, स्टेप नंबर 3 स्पेशल रिजोल्यूशन इस मीटिंग में पास किया जाएगा, स्टेप नंबर 4 आरओसी को इस बारे में इंटीमेट किया जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप उसको क्या करो सर, सिक्वेंस में डिवाइड करो। अगर कोई एग्जम्पशन दिया गया है स्मॉल कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को, तो
So instead of just writing that the provisions are not applicable to small companies and you know private companies, yes, small companies and 1% companies, usko kuch is tarike se likho. The above provision is not applicable to point number 1, small companies as defined under section 2 clause 85 of Companies Act 2013. Right, 1% companies as defined under section 2 clause 62 of Companies Act 2013. तो आप लिख सेम चीज रहे हो बट लिखने का तरीका अलग है सर, लिखने का कंटेंट अलग है, इसलिए प्रेजेंटेशन में अपने को बहुत ज्यादा काम करना है सर। और चौथी चीज सर, जितना हो सके उतने टेस्ट देने हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, 100 मार्क टेस्ट देना है, जितना हो सके उतना टेस्ट दो, टेस्ट देने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, टेस्ट देने में बिल्कुल भी किल्लत ना करें, ठीक है। और टेस्ट देने के लिए अपना रिलायबल प्लेटफॉर्म है www.apnamentor.com, जहां जाकर आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज एंड फुल 100 मार्क टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर सकते हो विद प्रॉपर इवैल्यूएशन। अब उसके बाद सर सीक्वेंस अपने को क्या करना चाहिए, तो अब देखो यार आखिरी अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है, अपने को एकदम गो फॉर द किल जाना है, अपने को एकदम स्पून फीडिंग नहीं करना, बेबी सीट नहीं करना। सीधा सबसे पहले डायरेक्टर्स के 3 चैप्टर्स उठाओ, अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग एंड मैनेजर रेमुनरेशन का जो चैप्टर है, उसके बाद सीधा आईबीसी का चैप्टर उठाओ, सीधा आईबीसी कोड का चैप्टर उठाओ। पहले ये दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो, डायरेक्टर का चैप्टर, आईबीसी कोड का चैप्टर, पहले ये दो चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो तो आराम से आपका 35 से 40 मार्क्स का कवरेज आ जाएगा। तो पहले इन दो चैप्टर्स को उठाइए, डायरेक्टर्स आईबीसी कोड, एंड बहुत बढ़िया से थोड़ा ज्यादा टाइम लगा के कवर अप कर लीजिए, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा। डायरेक्टर्स के रिवीजन वीडियोस मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। लॉ का भले ही आखिरी अटेम्प्ट है बट जो अपना साथ है वो बच्चों के साथ नहीं छूटने वाला है, अपना जो साथ है वो बच्चों के साथ बना रहेगा टिल द एग्जामिनेशंस, भले ही लॉ का लास्ट अटेम्प्ट क्यों ना हो। तो डायरेक्टर के रिविजनरी वीडियोज मेरी तरफ से स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं। तो पहले अपन ने डायरेक्टर्स किया सर, फिर अपन ने आईबीसी कोड 2016 किया, दो चैप्टर उठा लिए एकदम श्योर शॉर्ट वेटेज वाला, दो चैप्टर्स उठा लिए सर श्योर शॉर्ट वेटेज वाला। उसके बाद थर्ड टॉपिक में क्या करना चाहिए सर अपने को, अब जाके मैं बोलूंगा थर्ड टॉपिक्स के अंदर आप क्या करो सर, कंपनी लॉ के कुछ चैप्टर्स कर लीजिए, जैसे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो गया, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो गया, जिससे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता ही आता है। फॉरेन कंपनीज का चैप्टर हो गया, आसान चैप्टर है जिससे अपना क्वेश्चन आता ही आता है। एनसीएलटी उठा लीजिए, छोटा सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद मिसलिनियस प्रोविजन उठा लीजिए, मिसलिनियस प्रोविजन के अंदर अपना यू नो रिमूवल ऑफ कंपनीज नेम फ्रॉम द एनसीएलटी, फ्रॉड, ये सारा कुछ आ जाएगा। तो इस सीक्वेंस में आप क्या कर लीजिए सर, चीजों को कंप्लीट कर लीजिए, दैट इज डायरेक्टर्स, आईबीसी कोड, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, फॉरेन कंपनी, एनसीएलटी, एंड देन वी हैव द मिसलिनियस प्रोविजंस। इस प्रोविजन में करिए, एक बार के लिए वाइंडिंग आपको हाथ मत लगाइए, खाली दो चैप्टर्स में आपको आखिरी में करने बोलूंगा, दैट इज गोइंग टू बी वाइंडिंग अप एंड फेमा, सिर्फ दो चैप्टर्स आपको अंत में लास्ट में करने बोलूंगा मैं। तो इतना अच्छे से कर लीजिए, प्लीज मेक श्योर एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए, अलग से। इस रजिस्टर में सेक्शन नंबर्स, इस रजिस्टर में लिमिट्स, जो भी लिमिट्स का पार्ट आ रहा है, जो भी सेक्शन नंबर्स का पार्ट आ रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट पेनल्टीज का पार्ट आ रहा है, तो सेक्शन नंबर हो गया सर, लिमिट्स हो गया सर, इंपॉर्टेंट पेनल्टीज हो गया, तो ये सारा अच्छे से अलग से गो थ्रू करिए, अलग से इस पर ध्यान दीजिए, अलग से इस पर फोकस कीजिए। उसके बाद इकोनॉमिक लॉस का जो बचा हुआ हिस्सा है, इकोनॉमिक लॉस का जो बचा हुआ पोर्शन है, स्टार्ट विद फॉर्मुला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो फॉर्मुला कर लीजिए, फिर सेबी ऑर्डर रेगुलेशंस कर लीजिए, फिर जाके आप आर्बिट्रेशन, एफसीआरए एंड सेबी एक्ट के चैप्टर्स कंप्लीट करिए अपने, ठीक है। तो इतना कंप्लीट कर लो अच्छे से, उसके बाद जाकर आपने लास्ट में क्या करना है, एकदम लास्ट में आपने फेमा लेना है, वाइंडिंग अप लेना है, एंड फेमा वाइंडिंग अप में थोड़ा सा सिलेक्टिव होना है,
द रीजन बिंग कि फेम और वाइंडिंग अप अपने आप में बहुत एग्जॉस्टिव चैप्टर्स है, बहुत एग्जॉस्टिव कवरेज है, लेंथी चैप्टर्स है, तो पूरा डूब जाओगे इन चैप्टर्स में, तो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा ये, बाकी चैप्टर्स के लिए आपको टाइम कम मिलेगा। तो फेम और वाइंडिंग अप को अपने को लास्ट में करना है, थोड़ा सा सिलेक्टिव मैनर में करना है। फेम और वाइंडिंग अप के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उन टॉपिक्स पे ज्यादा इंफोसाइज कीजिएगा, उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। तो आई विल प्रोवाइडिंग विद इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक्स ऑफ फेमा एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ वाइंडिंग अप, पुट मोर इंफोसाइज ऑन दोस टॉपिक्स। सेक्शन नंबर्स याद करने के लिए सर, सेक्शन नंबर्स याद करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर वीडियोस अवेलेबल हैं, लर्निंग सेक्शन नंबर ऑफ चैप्टर्स, लर्निंग सेक्शन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, लर्निंग सेक्शन नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, लर्निंग सेक्शन नंबर्स ऑफ मैनेजर रेमुनरेशन चैप्टर, तो वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन वीडियोस को यूज करके सेक्शन नंबर्स याद कर सकते हो। लिमिट्स के लिए भी, पेनल्टीज के लिए भी अपने वीडियोस अवेलेबल हैं, राइट। तो उन वीडियोस को यूज करके आप क्या कर सकते हो सर, सारी के सारी इंपॉर्टेंट लिमिट्स याद कर सकते हो, सारी के सारी इंपॉर्टेंट पेनल्टीज याद कर सकते हो, बहुत आराम से, बहुत प्यार से हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। अब आपका जो फ्लो होना चाहिए सर, वो ये होना चाहिए पार्टिकुलरली लॉ के अंदर कि सबसे पहले आप क्या करो सर, 20 डेज का एक प्लान बनाओ, 20 डेज का एक प्लान बनाओ कि 20 दिन में आपको लॉ खत्म करना है 3 आवर्स डेली, 20 दिन में आपको लॉ खत्म करना है 3 आवर्स डेली। खत्म कर लिया 20 दिन में लॉ एक बार 3 आवर्स डेली। उसके बाद सर क्या करना है, आपने 1 वीक फुल फ्लैजेड टेस्ट देने हैं, आपने 1 वीक फुल फ्लैजेड टेस्ट देने हैं। फिर आपने सेकंड रिवीजन प्लान करना है आफ्टर ए 10 डेज गैप, सेकंड रिवीजन प्लान करना है सर आफ्टर ए 10 डेज गैप। अब इस बार आप लॉ को दोगे, आप इस बार लॉ को दोगे 10 डेज, 10 डेज लॉ को दोगे 4 आवर्स डेली करके, 10 डेज लॉ को देने वाले हो। और इसके बाद आपने क्या करना है सर, 2 दिन आपने 200 मार्क टेस्ट देने हैं, 2 दिन आपने 200 मार्क टेस्ट देने हैं। पहले आपने क्या किया, पहले आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिए, और ये सेकंड रिवीजन के बाद क्या देना है सर, आपने 200 मार्क टेस्ट देना है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर लॉ। उसके अलावा जो अपना रिविजनरी ऑडियोज वगैरह अवेलेबल है वो आप डेली बेसिस में सुन सकते हैं, या कुछ ऑडियोज वगैरह के अंदर जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, तो वो आप अलग से कर लेना, उसमें आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, तो लेटेस्ट अमेंडमेंट वाला पार्ट खाली आप अलग से कर लीजिएगा, बाकी सारा कुछ रिविजनरी ऑडियोज में ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। एंड बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपडेटेड ऑडियो क्लिप भी प्रोवाइड कर दिया जाए। डायरेक्टर्स के समरी नोट्स, इकोनॉमिक लॉस के समरी नोट्स, ये सारा कुछ मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि आपको एक कंसाइज मटेरियल मिल जाएगा कि आप लॉ कम समय में कर सकते हैं सर, कम टाइम में कर सकते हैं। लॉ जब भी पढ़े हमेशा लॉ मेकर की तरह सोच के पढ़े, हमेशा ये सोचो यार कि क्या पढ़ा था मैंने, क्या प्रोविजन था, क्या लॉजिक था, हमेशा लॉजिक के बारे में सोचो कम टू द प्रोविजन, हमेशा लॉजिक के बारे में सोचो कम टू द प्रोविजन, क्या लिखा था, क्यों लिखा था, ऑलवेज थिंक अबाउट दैट एंड देन कम टू द प्रोविजन। डोंट फॉलो ए वर्ड बाय वर्ड रीडिंग अप्रोच, अदरवाइज दैट इज गोइंग टू गेट वेरी वेरी अब्सर्ड, है ना। तो वर्ड बाय वर्ड रीडिंग अप्रोच अपने को फॉलो नहीं करना है सर, कॉन्सेप्ट्स में काम करना है, नंबर ऑफ टाइम्स रिविजन करना है, रिविजन करने के लिए कंसाइज मटेरियल मिल जाएगा, यूट्यूब वीडियोज आप फॉलो कर सकते हो, अपने आप से सवाल पूछो प्रोविजंस के एंड आंसर करो, तो इससे जल्दी रिविजन होता है। प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा इंफोसाइज करें, आईसीए के स्टडी मैट को यूज करें, एमटीपी को यूज करें, और जितना हो सके उतना टेस्ट दें, चैप्टर वाइज टेस्ट दें, 100 मार्क टेस्ट दें। कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत लग रही है या लग रहा है कि रिविजन करने में ज्यादा समय लग रहा है, सो आप लॉ के फास्ट ट्रैक क्लासेस ले सकते हो, और इस वक्त जो लॉ के फास्ट ट्रैक क्लासेस हैं बहुत ज्यादा नॉमिनल प्राइस में अवेलेबल है एट apnamentor.com, इट इज अवेलेबल एट हैवी डिस्काउंटेड प्राइसेस, तो आप जाकर लॉ के फास्ट ट्रैक क्लासेस के लिए भी एनरोल कर सकते हो। एंड आपको लगता है कि यार थोड़ा सा समय दिया जा सकता है, एक एक ग्रुप बाकी है, तो आप रेगुलर क्लासेस के लिए भी क्या कर सकते हो सर, एनरोल कर सकते हो, उसमें भी 100 घंटे में ही पूरा का पूरा अपना लॉ का कवरेज है। बाकी यार कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आप टेलीग्राम में सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करो मुझे, मेरा हर एक मैसेज का रिप्लाई मिलेगा। आप टेलीग्राम में क्या करो, मुझे सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करो 7838061193, 7838061193, या फिर @CA Sanidhya Saraf, आप यहां पे सिर्फ टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, मेरा गाइडेंस आपके साथ बना रहेगा, ठीक है ना। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। तो बिल्कुल भी अपने को ये नहीं सोचना है कि November 23 आखिरी अटेम्प्ट है लॉ के लिए, आखिरी अटेम्प्ट है तो क्या हुआ सर, आखिरी अटेम्प्ट है तो हम और 200% एफर्ट्स देंगे, जी जान लगा देंगे, आखिरी अटेम्प्ट है तो हम जी जान लगा देंगे, 200% एफर्ट्स देंगे, एंश्योर करेंगे कि भाई इंस्टीट्यूट से 70 लेकर जाएंगे हम लोग, कि भाई इंस्टीट्यूट हमें लॉ, हमें क्या करो, लॉ में 70 मार्क्स चाहिए अपने को, तो इंस्टीट्यूट से अपन 70 लेकर जाएंगे,
एंड आई एम वेरी मच श्योर कि ये जो लॉ है ना, ये एक वजह बन जाएगा आपके लिए दैट इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट टू क्लियर योर एग्जामिनेशन. तो अपने को एकदम पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी के साथ नहीं सोचना है. नवंबर 23 भले ही आखिरी अटेम्प्ट क्यों ना हो, बिल्कुल शिद्दत के साथ, मोहब्बत के साथ इस सब्जेक्ट को अपने को तैयार करना है. ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर.